सुशील केडिया साहब से मुलाकात करने का हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ। केडिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। जब से बाजार ने टॉप बनाए बैंक निफ्टी पे 54,500 के आसपास, निफ्टी पे 26,300 के आसपास, वहाँ से आज जो लेवल्स मिले हैं वो सबसे लोएस्ट लेवल मिले, कुछ नए नीचे के लेवल इंट्राडे में देखने को मिले, क्या कुछ और नई गिरावट खुल रही है या फिर सपोर्ट के आसपास से? कैसे देख रहे हैं आज की गिरावट को और आगे बाजार के ट्रेंड को आप? अरे जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये। और बाजार ने ऐसा रंग ढंग बना दिया है कि जैसे आदमी की बोलती बंद हो जाए। तो बोलती बंद वाले माहौल के अंदर में मैं गाने का सहारा लूंगा परिस्थिति को सटीक तरीके से बताने के लिए। तो एक ब्रिटिश बैंड था जेथ्रो टल, जिसका ये बहुत फेमस गाना है, टू ओल्ड टू रॉक एंड रोल, टू यंग टू डाई। तो अब बेच के कमाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और लेके कमाने वाले सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में पहले तो मैं एक हद बनाऊंगा कि मेरी होशियारी की हद क्या है। तकरीबन 23,100 के भी नीचे सरक गई अगर निफ्टी, तो मेरे लिए एक एक करके पत्ते समेटने का टाइम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 23,100 गया तो सारा माल एक ही झटके में बेचो, अलग अलग स्टॉक्स को देख के करना पड़ेगा। तो 23,100 का लेवल जो है वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर होगा कि भाई आज अपना हाथ नहीं चलने वाला, घर जाओ, तो देख के सल्टाना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी वहां पे ऑलरेडी इस 100 के जैसी परिस्थिति बना चुकी है। मुझे नहीं पता अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन की इन चार्ट्स को दिखा पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी चूंकि मेरे को लग रहा है लॉन्ग रन में ज्यादा कमजोर है, वो हमेशा क्या होता है जो चीज लॉन्ग रन में ज्यादा कमजोर होती है बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो पहले छद में रचती है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अगर कोई बाजार में रिवाइवल आता है, और अगर ये चार्ट मैं आपको दिखा पा रहा हूं, तो बैंक निफ्टी एक बार शुरू में ज्यादा रफ्तार से उछल सकती है 52,800 तक। पर वो हम फैसला कब करेंगे, अगले 1-2-3 दिन में 50,370-80 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद दे देगा तो हम वहां से तेजी का दांव लगाएंगे। और सिमिलरली भले निफ्टी में मैंने गिवअप का लेवल आइडेंटिफाई किया 23,100, जब तक निफ्टी अगले 2-3 दिन में वापस 23,600 के ऊपर बंद नहीं होता है, मतलब 23,100 से लेके 600 का जो जोन है वो असमंजस का टाइम है। हर वक्त हर आदमी नहीं कमा सकता। अभी बड़े लोगों की आपस में लड़ाई चल रही है, उनको सलटने दो, आपस में फैसला होने दो उनका। अगर वो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है बिग बॉयज का और फंड्स का मिलके, तो हम 23,600 के ऊपर तेजी करेंगे और 23,100 के नीचे एक बार सलटा के छुट्टी पे चले जाएंगे। तो 23,100 के नीचे निफ्टी और खराब होगा, 23,600 के ऊपर ये बंद होने चाहिए जी। निफ्टी 23,100 के नीचे खराब हो ना हो अनिल जी, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मतलब सौदा सल्टाना पड़ेगा वहां, फोरकास्टिंग को छोड़ के, होशियारी को छोड़ के एक बार सरेंडर होना पड़ेगा। इस 100 टूट गया इसका मतलब ये नहीं कि वहां शॉर्ट कर सकते हैं, बर्दाश्त 23,100 के नीचे तो छोड़ देंगे वहां, और क्या करेंगे। बैंक निफ्टी पे आपने वो लेवल बहुत छोटा दिया केडिया साहब की 50,370-80, 50,380 क्या है, 50,380 तो मुश्किल से 200-300 पॉइंट दूर है, वो तो कल की लो से, कल की क्लोज से भी नीचे, खाली इतना चलेगा आपको। तो इसीलिए किसी भी टाइम यहाँ से बाजार घूमना चाहिए। और मैं एक नेशनल टीवी पे आके एक ही बात रिपीट कर जाऊं, बाजार घूमना चाहिए, नहीं घूमे तो भाई कहां पे गिव अप करना है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो बैठ के भी देखेंगे। तो के नीचे बैंक निफ्टी पे गिव अप कर देंगे। हाँ, बस ये गिव अप के लेवल के करीब हम आ चुके हैं और देखते हैं। और अगर 50,400 राउंड फिगर में ये मान लें कि होल्ड कर ले क्लोजिंग बेसिस पे, तो 52,600 तक की अपसाइड के लिए खुल सकता है बैंक निफ्टी, राइट? बिल्कुल जी। चलो, ये 50,400 के ऊपर चला गया तो, अभी क्या सल्टा के साइड में बैठे हैं बैंकों को, तो 50,400 के ऊपर गया तो नई तेजी लगाएंगे एक बार 2,000 पॉइंट की, और फिर देखेंगे 2,000 पॉइंट बढ़ने के बाद भी छोड़ना है कि नहीं। थोड़ा असमंजस का बाजार हो गया, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद आज ही अडानी को भी आना था। मैं इसी पे आ रहा था, दूसरा मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि आप काफी लंबे समय से अडानी पर बुलिश भी थे, आप कह रहे थे कि बाजार में कितने खराब हो, शेयर बाजार की नॉर्मल समझ है, मतलब भाई इतना एक आरोप लग गया उस पर फाइन हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी, कोई ठीक है। अब मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई इश्यूज आ जाते हैं, या कभी कोई कोर्ट से भी जो फैसले आ जाते हैं, कल को चाहे आप हायर अपील में जा सकते हैं, रिवर्स हो सकता है, या बाजार उनको भूलने के लिए तैयार हो सकता है। बल्कि इस तरह की खराब खबर पे भी अगर अडानी के स्टॉक्स भी घूम गए यहां से, तो मेरे को लगता है इसका मतलब फिर बाजार में बड़ी तेजी होगी, कि इतनी बैड न्यूज भी अगर बाजार हजम कर जाएगा तो बड़ी तेजी बन सकती है। इसलिए आज ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे अनिल जी, आज थोड़ा शांति रख के 1-2 दिन बाजार को देखने का मन है।
चलिए, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी फिलहाल थोड़ी शांति रखें, कुछ भी ना करें, ले तो आप पाएंगे नहीं और बेचने का तो भाव शायद। मतलब इसको और सरल शब्दों में अगर कहूं मैं अनिल जी, कि फोरकास्टिंग करते रहने का कोई 12 महीने ही समय हो जरूरी नहीं है। कभी कभी आदमी को किनारे होके सिर्फ रिस्क को मैनेज करना चाहिए। अभी अभी फोरकास्ट करते रहे चली नहीं रही है, तो पहले बने रंग ढंग नए ट्रेंड का, और तब तक जितनी रिस्क कंट्रोल हो सकती है उतना सौदा रखो, बाकी छोड़ दो। ठीक बात है, तो ये आपके लिए अदानी ग्रुप के शेयर पर। अब सर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको चार्ट पे कोई अच्छे या खराब दिख रहे हो तो बताएं सर। तो अगर जैसे बाजार घूम जाए तो अभी तो हमारा स्टांस वही है कि वही हमारी बाई लिस्ट है जिसको हम लेके इंतजार में बैठे हैं। ONGC, टाटा मोटर्स, रिलायंस, आपके FMCG के सारे स्टॉक्स, अभी इसमें लीवर भी इंक्लूडेड हो गया। ब्रॉडली अगर मैं कहूं ऑटो के अंदर टाटा मोटर्स, उसको छोड़ के बाकी कोई भी ऑटो स्टॉक नहीं, बल्कि TVS मोटर्स को तो हम बढ़ते बाजार में भी हो सकता है बेचें। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एक रीबाउंड है सिर्फ। IT के स्टॉक्स को लेने का मन नहीं है, वो सारी चार्ट जो है ना IT घटा ही नहीं है, और हो सकता हो काउंटर ट्रेंड चल रहा है, घटते बाजार में IT ऊपर अटके रहेगा और जैसे बाजार घूमेगा ऊपर की तरफ IT जोर से नीचे आने लग जाए। बाकी IT की स्पेस को छोड़ के जिधर जिसकी जिस चार्ट पे जिस फंडामेंटल पे नजर है, चाहे वो PSU के स्टॉक्स हो या वो केमिकल्स के स्टॉक्स हो, तो ये एक असमंजस के पॉइंट पे है बाजार। एक दो दिन सांस रोक के यहाँ देखना चाहिए, और सेम टू सेम सारी की सारी सेम लिस्ट है। मतलब फुटबॉल की गेम में जो कमजोर टीम है वो कमजोर टीम है, जो ताकतवर टीम है ताकतवर टीम है। एक प्लेयर के हाथ में बॉल लगे तो 2-3 मिनट या 2-3 दिन बाजार में ड्रिबलिंग हो जाएगी बॉल इधर से उधर, तो उससे क्या है मैच की आउटलुक चेंज नहीं होगी। अभी तो आउटलुक चेंज करने के लायक कोई डाटा पॉइंट मिल नहीं रहा है। ओके, तो चलिए ये है राय KS साहब की। KS साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बाजार पर और सारे स्टॉक्स पर अपनी राय विस्तार से हमारे दर्शकों को देने के लिए। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज शामिल होने के। दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है तो देश का भरोसेमंद ब्रोकर Zerodha में डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंटरनेट ट्रेड फी, वो भी 20 रुपया। तो Zerodha में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो चाहिए लिंक पे क्लिक करके बिल्कुल फ्री में Zerodha के अंदर एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग करवाएं।